आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है 6.1 में से 6.3 तक का परीक्षण कीजिए और बताइए। तो ये ए भाग में बताना है कि डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। दूसरा पूछ रहा है वायु के एक अणु की गतिज ऊर्जा 10^-21 जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा किसी वयस्क मानव का दैनिक आहार किलो कैलोरी में कितना है। तो ये सारणी में जो ये ऊर्जा दी गई है इसके आधार पर हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अब देखिए डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा दी गई है 10^-20 जूल। ये जूल में सब दिया गया है। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6×10^-19 का भाग दे देंगे। तो भाग दे दिया गया तो ये लगभग आ गया 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पीछे हम लोग इसके पहले जो चैप्टर पढ़े हैं, इसके पहले नहीं, जो हमने कक्षा 12 में स्थिर वैद्युत विभव एवं क्षेत्र ये पढ़ा था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा हुई थी। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान दीजिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसने बताया है कितना होता है। तो वैसे भी मिली है तो 10^3 का गुणा होगा तो 100 ही आएगा। अब वायु के अणु की गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर देखिए सारणी में दिया गया होगा, ये सारणी में नहीं दिया हुआ है। कुल मिला के हमें ये इतना समझना है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदले, ये बताना चाहता है। तो 10^-21 जूल अगर वायु की अणु की गतिज ऊर्जा है तो उसमें 1.6×10^-19 का भाग दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो ये आ गया लगभग 0.0062 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सदृश। इसमें गुणा कर देंगे इसमें मिली है तो 1000 का गुणा करेंगे 10^3 का, तो ये 6.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आगे पूछ रहा है कि वयस्क मानव की औसत दैनिक भोजन की खपत, तो इसको किलो कैलोरी में बदलना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें देखिए दिया होगा 10^7 किसी वयस्क मानव की दैनिक खाद्य ग्रहण क्षमता 10^7 जूल है। अब इसको हमें कैलोरी में बदलना है तो कैलोरी में बदलने के लिए 4.2×10^3 जूल प्रति कैलोरी होता है। तो 4.2×10^3 का भाग दे देंगे जूल को जब कैलोरी में बदलना है, तो ये आ जाएगा किलो कैलोरी में बदलना है तो ये आ जाएगा 2400 किलो कैलोरी। तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, अगर आपको ये पता है तो ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे आता है, यहाँ हम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सामान्य भ्रांति की ओर ध्यान दिलाते हैं। ये भोजन की मात्रा का कैलोरी में उल्लेख करते हैं और हमें 2400 कैलोरी से कम खुराक लेने का सुझाव देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भोजन की कैलोरी है और इससे कम कैलोरी की खुराक हमें लेना चाहिए जिससे हमारे अंदर मोटापा नहीं आएगा। जो उन्हें कहना चाहिए वो किलो कैलोरी है ना कि कैलोरी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कह रहा है कि यहाँ हम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सामान्य भ्रांति की ओर ध्यान दिलाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये भोजन की मात्रा का कैलोरी में उल्लेख करते हैं, मतलब कैलोरी में
पत्र पत्रिकाओं समाचार पेपर में निकलता है, और हमें 2400 कैलोरी से कम खुराक लेने का सुझाव देते हैं। जो उन्हें कहना चाहिए वो किलो कैलोरी है, ना कि कैलोरी, मतलब इतने किलो कैलोरी ना कि कैलोरी। ये देखिए किलो कैलोरी लिखा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो खाने के बारे में बताया जा रहा है वो जो पेपरों में निकलता है कैलोरी में, वो हकीकत में कैलोरी नहीं किलो कैलोरी है। चौबीस सौ कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाला व्यक्ति शीघ्र भूखों मर जाएगा। 2400 किलो कैलोरी होना चाहिए। एक भोजन कैलोरी सामान्यतः 1 किलो कैलोरी ही होती है, तो एक भोजन की जो कैलोरी है वो सामान्यतः 1 किलो कैलोरी ही होती है, तो ये ध्यान देना है हमको। अब आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने यही पढ़ा था कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी लेकिन वो नष्ट नहीं होती। तो हमने यह देखा है कि किसी भी निकाय यानी सिस्टम की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है यदि इस पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हो। तो ध्यान देना है कि जब संरक्षी बल होंगे तभी हमारी ये बात सही होगी। जैसे गुरुत्वीय बल है, विद्युत बल है और अभिकेंद्र बल है, ये सब जो है संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों के लिए ये ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। आगे बता रहा है कि यदि कार्यरत कुछ बल असंरक्षी हैं तो यांत्रिक ऊर्जा का कुछ अंश दूसरे रूपों जैसे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाता है। जैसे घर्षण बल है हमारा, और इलास्टिक फोर्स है जैसे रबड़ को खींचे, ये सब असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव बल है। इसमें क्या होता है, जैसे घर्षण बल में गाड़ी सड़क पर चलती है तो उसके टायर गर्म होते हैं, तो टायरों के गर्म होने में निकल जाती है वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, कुछ ऊष्मा के रूप में, कुछ प्रकाश के रूप में, कुछ आवाज़ होती है कड़ 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 कड़, तो ध्वनि के रूप में ऊर्जा ये सब रूपांतरित हो जाती है। देखिए नष्ट तब भी नहीं होती, बस फर्क इतना है कि इसका हम ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि इनका कार्य में परिवर्तन नहीं कर पाते तो हमारे लिए व्यर्थ है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ऊर्जा का लॉस हो गया, ह्रास हो गया। तथापि ऊर्जा के सभी रूपों का ध्यान रखने पर हम पाते हैं कि विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम, हमने बताया था कि विलगित निकाय का मतलब जिसमें निकाय और परिवेश दोनों में ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान ना हो सके। जैसे थर्मस में हम पानी भर दें तो वो 24 घंटे तक ठंडा रहता है, क्योंकि बाहर से ना ऊष्मा आ जा सकती है ना पदार्थ आ जा सकता है, तो इनको हम विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि तथापि ऊर्जा के सभी रूपों का ध्यान रखने पर हम पाते हैं कि विलगित निकाय की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। जाहिर सी बात है कि ऊर्जा का जब आदान प्रदान परिवेश में होगा ही नहीं तो ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है परंतु किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो ध्यान देना है कि ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है परंतु यह नष्ट नहीं होती है। क्योंकि संपूर्ण विश्व को एक विलगित निकाय के रूप में देखा जा सकता है अतः विश्व की कुल ऊर्जा अचर है। अब ध्यान देना है कि पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की, तो जो कुछ भी हो रहा है उसकी ऊर्जा यूनिवर्स के अंदर ही है, बाहर तो जा नहीं रही, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड की यानी पूरे विश्व की जब हम बात करेंगे तो ये हमेशा जो एनर्जी है वो अचर है, कांस्टेंट है, नष्ट नहीं होती, मतलब नियत है।
यदि विश्व के एक हिस्से में ऊर्जा की क्षति होती है तो दूसरे हिस्से में समान ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब ऊर्जा अचर है यानी कांस्टेंट है, तो अगर एक जगह बढ़ेगी तो दूसरी जगह घटेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है, तो अगर गति ज़्यादा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा उतना घटेगी, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं, कह रहा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तथापि सिद्धांत के उल्लंघन की कोई स्थिति सामने नहीं आई है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसको हम सिद्ध नहीं वैसे कर सकते, बस ये बता सकते हैं कि जो हो रहा है ब्रह्मांड में जो कुछ भी उसमें हम अनुभव करते हैं। जैसे किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये हम ऐसे नहीं बता सकते नाप के। हम कैसे बता सकते हैं? उसको इस तरह बता सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हो, बदले, तो उसमें कितनी ऊष्मा निकल रही है या देनी पड़ रही है, तो हमें पता चलेगा कि इतनी पहले रही होगी। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव की बात है। तथापि इस संबंध सिद्धांत के उल्लंघन की कोई स्थिति सामने नहीं आई है। संरक्षण की अवधारणा और विभिन्न रूपों में ऊर्जा का रूपांतरण भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान आदि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को आपस में संबद्ध कर देती है। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सारी साइंस को एक साथ आपस में सूत्रबद्ध कर देता है। यह वैज्ञानिक खोजों में एकीकरण और स्थायित्व के तत्व को प्रदान करता है। तो इससे पता यह चलता है कि जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं समानता है यानी एकीकरण है, और उसके स्थायित्व को के तत्व को प्रदान करता है, मतलब स्थायित्व प्रदान करता है। अब देखिए, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की दृष्टि से सभी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण और यांत्रिकी आधारित यंत्र ऊर्जा रूपांतरण के किसी न किसी रूप पर निर्भर करते हैं। तो जितने भी मशीनरी है, चाहे इंजन हो, चाहे गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, सब में ऊर्जा का रूपांतरण है, होता है, उसी पर आधारित है। जैसे पेट्रोल डाला जाता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है, तो पेट्रोल में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल करके उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है पावर यानी शक्ति, इसको अंग्रेजी में पावर बोलेंगे। तो देखिए, पहले इसको मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए दो इंजन हैं, एक इंजन वही काम 1 घंटे में करता है और वही काम दूसरा इंजन 1/2 घंटे में कर देता है। तो जो 1/2 घंटे में करता है वो जल्दी किसी काम उसी काम को कर दे रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है। तो जो इंजन कम समय में वही काम कर रहा है तो उसकी क्षमता या पावर या शक्ति हम कहते हैं कि ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि कम समय में जो ज्यादा काम करेगा उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी। इसीलिए पावर का ये जो पावर है उसका मात्रा फार्मूला है W/T यानी कार्य बटे समय। तो ये कम होगा तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, किसी चीज में कम का भाग देंगे तो उत्तर ज्यादा आएगा ना, तो कम समय में ज्यादा काम होगा। तो वही कह रहा है कि बहुधा केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि किसी पिंड पर कितना कार्य किया गया, अपितु तो यह जानना भी आवश्यक है कि यह कार्य किस दर से किया गया है। हम कहते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है यदि वो केवल किसी भवन के 4 तल तक चढ़ ही नहीं जाता है, अपितु तो वह इन पर तेजी से चढ़ जाता है। मतलब स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है कि चढ़ने की बात नहीं, वो तेजी से चढ़ जाएगा। अतः शक्ति को उस समय दर से परिभाषित करते हैं जिससे कार्य किया गया या ऊर्जा रूपांत स्थानांतरित हुई। तो ध्यान देना है, जैसे अभी हमने बताया कि जो जितना जल्दी काम कर लेगा उसको उतना ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि समय दर के हिसाब से जो कार्य होगा तो कम समय में होगा तो ज्यादा शक्तिवान माना जाएगा, ज्यादा में होगा तो कम ताकतवर माना जाएगा।
किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W और उसमें लगे समय T के अनुपात से परिभाषित करते हैं। तो इसको ध्यान देना है। अतः P एवरेज कितना हो जाएगा? W बाई टी हो जाएगा। P एवरेज बराबर W बाई टी। ताक्षणिक शक्ति को औसत शक्ति के सीमांत मान के रूप में परिभाषित करते हैं जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो, अर्थात P = dW/dt हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये उसी प्रकार से है कि जैसे हम समाकलन अवकलन करते थे, तो कम अगर बहुत कम समय की बात होगी शून्य के लगभग की, तो dW/dt लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पी एवरेज निकाला गया है, तो एवरेज इसलिए निकाला गया है कि अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य हो सकता है, तो इसलिए पूरा औसत ही निकाल लिया है। अब देखते हैं, अब चूंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ विस्थापन, अभी देखिए बहुत छोटे समय की बात हो रही है, तो जहाँ विस्थापन dr में बल F द्वारा किया गया कार्य dW/F(dr) है। बहुत कम विस्थापन होगा जब समय बहुत कम होगा, तो बल गुणे F(dr) लिखा है, मतलब छोटा बहुत छोटी दूरी या छोटा विस्थापन होता है। अतः ताक्षणिक शक्ति को निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात की जाए तो P = हो जाएगा F dr/dt। अब चूंकि विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है, तो विस्थापन बटे समय को वेग बोलते हैं, इसलिए F(v) लिख दिया, जहां v हमारा ताक्षणिक वेग है जबकि बल F हमारा फोर्स है, बल है। अब देखिए इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है। तो कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी अदिश राशि है, आपको पता भी होगा। इसका SI मात्रक क्या है? वाट है, और इसकी बीमा ML² T-3 है। एक वाट का मान 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के प्रवर्तकों में से एक प्रवर्तक जेम्स वाट के नाम पर शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। तो ध्यान दीजिए कि जो भाप का इंजन बनाया था जेम्स वाट ने बनाया था, बनाए तो कई लोग थे, उनमें मेन आदमी जो थे वो कौन थे? जेम्स वाट थे, और उन्हीं के नाम पर शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है। शक्ति का बहुत पुराना मात्रक अश्व शक्ति है, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इसको भी ध्यान रखना है, पूछता है कभी कभी, इसका आगे उपयोग आएगा। आप देखिए कह रहा है कि यह मात्रक आज भी कार, मोटर, बाइक इत्यादि की निर्गत क्षमता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। हार्स पावर जो है, जैसे कोई मोटर हो तो कहते हैं कितने हार्स पावर की है, कार हो तो कहते हैं कितने हार्स पावर का इंजन लगा है, कितने CC का इंजन लगा है। तो हार्स पावर से तुलना आज भी हम लोग करते हैं। जब हम विद्युत उपकरण जैसे विद्युत बल्ब, हीटर और प्रतीतक आदि खरीदते हैं, तो हमें मात्रक वाट से व्यवहार करना होता है। जब हम कोई बिजली का उपकरण खरीदें, चाहे बल्ब खरीदें, चाहे हीटर खरीदें, चाहे प्रतीतक यानी AC खरीदें, रेफ्रिजरेटर, प्रतीतक मतलब रेफ्रिजरेटर, तो हमें वाट के बारे में जानने को मिलता है। वहां सब गणना शक्ति की वहां पर वाट से होती। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, 100 वाट का बल्ब। ये बताया जा रहा है वाट का महत्व। अब देखिए 100 वाट 10 घंटे में, तो 1000 वाट, एक मतलब 1000 वाट इंटू घंटा हो जाएगा, इसी को 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 10^3 लिख दिया, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 तो 3600
सेकेंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10^-10^6 जूल। तो विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए मूल मात्रक किलोवाट आवर में चुकाया जाता है, जिसे साधारण यूनिट के नाम से पुकारते हैं। ध्यान दें कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का। तो ये बात ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि देखो इसको जब बदला गया है तो ये जूल आया है। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, पावर का, लेकिन किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि यहाँ देखिए जूल आया। तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शक्ति का बहुत पुराना मात्रक क्या है, एक अश्व शक्ति, और नया मात्रक वाट, ये हास पावर है। तो ये भी देखिए शक्ति का मात्रक है, लेकिन ध्यान दीजिए किलोवाट घंटा हमारा ये ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का मात्रक। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान लिफ्ट और यात्रियों दोनों का पूरा मिला करके 1800 किलोग्राम ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल यानी कांस्टेंट विल स्पीड से गतिमान है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर जा रही है, तो रेखीय वेग है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो चाहे इसको चाल कहें चाहे वेग कहें एक ही बात। जब एक दिशा में होता है तो दिशा है तो इसका मतलब वो सदिश है, तो चाल को ही वेग कह सकते हैं। 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। 4000 न्यूटन का क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, जो इसके वेग को कम करता है, विरोध करता है, मतलब इसे आगे नहीं बढ़ने देता। लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति में कीजिए। तो वाट और हास पावर में हमको एनर्जी पावर बताना है कि मोटर कितने पावर से इसको चला रही है, लिफ्ट को, जिसमें 1800 किलोग्राम द्रव्यमान है यात्री और लिफ्ट सहित, और वो ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, और इस पर 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध भी कर रहा है। तो देखिए लिफ्ट पर लगने वाला अधोमुखी बल, मतलब नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, ऊपर ही मुखी मतलब ऊपर की ओर अपवर्ड, और अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर डाउनवर्ड। तो जाहिर सी बात है कि देखिए 4000 न्यूटन का तो घर्षण बल हो गया, ये इतना तो घर्षण बल हो गया, तो ये और ये जो किलोग्राम है, इतने यात्री 1800 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का है, गुरुत्वीय त्वरण, उससे गुणा कर दें तो और नीचे की ओर पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण कितना बल लग रहा है वो निकल आएगा। तो F बराबर mg+Fs, तो m 1800 है और g 10 मीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी के लिए, 9.8 होता है, परंतु यहाँ सीधा सीधा रखा गया। अब प्लस इतना घर्षण बल यानी विरोध में लग रहा है गति के, तो 4000, तो ये हो गया 22000 न्यूटन। इस बल को संतुलित करने के लिए मोटर द्वारा पर्याप्त शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए। अब पूरा इतने न्यूटन का बल कुल मिला करके हमें मोटर द्वारा लगाना है, क्योंकि इतना तो घर्षण बल लगा प्लस इतना पृथ्वी के द्वारा इस द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो इसके कारण बल आ गया इतना 18000 न्यूटन। तो 18000 न्यूटन प्लस 4000 न्यूटन हो गया 22000 न्यूटन। तो अब कितनी पावर देनी चाहिए, तो ये हो जाएगा P=FV, हमने पीछे पढ़ा है। तो F कितना है, 22000 न्यूटन, और विलास्टी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 44000 वाट। अब इसको 44000 वाट को हम लोग हास पावर में बदलेंगे, तो एक हास पावर बराबर 746 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर 1 हास पावर / 746, तो इसमें 746 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 59 हास पावर, तो ये लगभग 59 हास पावर के बराबर हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं संघट। संघट को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब आपस में टकरा जाना। तो भौतिकी में हम गति यानी स्थान में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, तो जो फिजिक्स है उसमें गति कहें, गति हम किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन होता है। कहते हैं नहीं, गति का मतलब दूरी बटे समय, मतलब कितना दूरी चल गया चाल बराबर प्रति सेकंड। तो दूरी चलने का मतलब जिस स्थान में था वहां से दूसरी जगह उसका स्थान बदल गया। तो वही कह रहा है कि भौतिकी में हम गति यानी स्थान में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ हम ऐसी भौतिक राशियों की खोज करते हैं जो किसी भौतिक प्रक्रम में परिवर्तित नहीं होती। तो ऊर्जा संरक्षण एवं संवेग संरक्षण के नियम इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज बदल रही है किसी वस्तु की गति में, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन और संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो दो नियम हैं इनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कह रहा है इस अनुभाग में हम इन नियमों का बहुधा सामने आने वाली परिघटनाओं जिन्हें संघट यानी टक्कर कहते हैं में प्रयोग करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन ला और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम को हम यहाँ पर लागू करेंगे टक्कर में, संघट में, और देखेंगे क्या होता है। अब विभिन्न खेलों जैसे बिलियर्ड्स, मार्बल या कैरम आदि में संघट एक अनिवार्य घटक है। कुल मिला के खेलों में जो टक्कर होता है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद बैट से टकराती है। अब हम किन्हीं दो द्रव्यमानों का आदर्श रूप में प्रस्तुत संघट का अध्ययन करेंगे, यानी जो मास है वो टक्कर जो उनमें हो रही है उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो दो बातें आ रही हैं कि ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण की यहां पर बात होगी, तो इसको देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि दो द्रव्यमान M1 व M2 हैं, जिसमें कण M1 चाल V वी आई कुछ लिखा है, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कण M1 चाल V1 से मान लीजिए गतिमान है, जहां अधोलिखित I आरंभिक चाल को निरूपित करता है। I लिखा है, वी आई, आई का मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक। दूसरा द्रव्यमान M2 स्थिर है, दूसरा द्रव्यमान ये M2 जो है ये अपनी जगह पर स्थिर है। इस निर्देश फ्रेम का चयन करने में व्यापकता में कोई कमी नहीं आती। इस फ्रेम में द्रव्यमान M1 दूसरे द्रव्यमान M2 से जो विरामावस्था में है संघट्ट करता है, जो चित्र 6.10 में चित्रित किया गया है। तो इसको ध्यान देना है कि यहाँ टक्कर हो रही है, जिसमें कि एक द्रव्यमान M1 है, V1 चाल से चल रहा है या VI से है प्रारंभिक चाल, M2 हमारा स्थिर है यानी इसमें कोई वेग नहीं। तो दो प्रकार की दिशाएं इसमें दिखाई गई हैं कि वो किधर जा सकता है। तो एक यक्ष दिशा है और एक वाई दिशा है। दोनों यक्ष वाई एक तरह से कंपोनेंट हैं, घटक हैं, इसलिए इनके बीच में कोण 90 डिग्री है। तो ये वस्तु जब ये टकराएगा इससे तो ये इस प्रकार से चलेंगे, M1 इधर चलेगा तो M2 इधर चलेगा, और M1 का वेग हो जाएगा M1 V1 F, यानी ये जो M1 है इसका अंतिम वेग, और M2 में हो जाएगा M2 V2 F, यानी इसका अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग तो इसका 0 था, स्थिर था, इसमें प्रारंभिक वेग भी था, तो प्रारंभिक वेग था तो M1 V1 F हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी के साथ इसका गुणा होगा, और इसमें इधर, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो पहले गेंद M1 के लिए संवेग की दिशा ये है, दूसरे के लिए ये, किसी द्रव्यमान M1 का अन्य स्थित द्रव्यमान M2 से संघट्ट यानी टक्कर हो रहा।
अब यहां पर देखते हैं, संघट के पश्चात यानी टक्कर के पश्चात द्रव्यमान M1 और M2 विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। हम देखेंगे कि द्रव्यमानों, उनके वेगों और कणों में निश्चित संबंध है। तो द्रव्यमान, उसका वेग, इन सब का जो है, जो कण है, जो गतिमान हुए हैं, इनमें एक विशेष संबंध है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अब ये समझना है कि आगे आ जाता है, देखिए, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी कोलिजन में प्रत्यास्थ मतलब जिसमें ऊर्जा का लॉस ना हो, और अप्रत्यास्थ मतलब जिसमें ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाए, जैसे ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में। या यूं कहें कि टक्कर के बाद जैसे ये अपनी स्थिति न खो, जैसे ठोस गोली है, कांच की गोली है, या हमारी लोहे की गोली है, और अप्रत्यास्थ मान लीजिए गीली मिट्टी की गोली है, तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक।